है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे आँख न सूझे। कोई सभा लगी रही होगी और सभा ज्ञानी कहलाने वालों की रही होगी। ज्ञानी होना और ज्ञानी कहलाना दोनों में बहुत ही अंतर है। वैसे हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, किसी से भी पूछ करके देखो, कोई हो, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अब किसी से भी पूछो कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, शायद कोई कहे कि मैं अज्ञानी हूं। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है और हर आदमी को अपने को ज्ञानी होने का बहुत अहंकार है। अब किसी से पूछो कि आप ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी बात, आपके ज्ञानी होने की पहचान क्या है, लक्षण क्या है उसका, तो अनेक लोग कहेंगे देखो मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं, मैं इतनी भाषाएं जानता हूं, इतने विषयों को जानता हूं, इतनी इतनी पुस्तकें मैंने लिख ली है, बड़ी बड़ी सभाओं में मैं घंटों धारा प्रवाह प्रवचन करता रहता हूं और कुछ बताएगा कि इतनी बड़ी मैं नौकरी करता हूं। कई उदाहरण देंगे ये लोग अपने ज्ञानी होने का, लेकिन ये ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। यह विद्वान होने का लक्षण है। विद्वान होना और ज्ञानी होना बिल्कुल अलग है। अप्पय दीक्षित संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, बड़े विचारक दक्षिण में हुए हैं। उनकी कई पुस्तकें हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं दर्शन के क्षेत्र में। उन्होंने लिखा है नीतिज्ञ नियतिज्ञ ब्रह्मज्ञ वेदज्ञ अपि वेदज्ञ अपि पंथ शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्व ज्ञान ज्ञानो बिरला। नीतिज्ञ नियत प्रकृति, नियति का जानने वाले आप कह सकते हैं खगोल विद्या, नियति को जानने वाले नियतिज्ञ
ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, वेदों का ज्ञान रखने वाले, ब्रह्मज्ञा अभिलभ्या, ब्रह्म को भी जानने वाले बहुत मिलेंगे। किन स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला, अपने अज्ञान को जानने वाला कोई बिरला मिलेगा, और जो अपने अज्ञान को जान लेता है वही ज्ञानी है। जो अपने अज्ञान को नहीं जानता वो विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। जो अपनी कमियों को जानता है और जानकर दूर करने का प्रयास कर रहा है वह ज्ञानी है। अपने अज्ञान को समझना सरल नहीं है, अपने ज्ञान को समझ लिया वही ज्ञानी। सुकरात से कहा गया, कहानी उसके पीछे है कि यूनान के लोग डेल्फी देवी के मंदिर में गए, वहाँ की प्रसिद्ध देवी देवी थी डेल्फी, और लोगों ने देवी से पूछा कि हमारे देश यूनान में इस समय सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो देवी ने उत्तर दिया, इस समय तुम्हारे यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है। लोग आए सुकरात के पास, उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा, आप लोगों को सूचना गलत मिल गई होगी, मैं ज्ञानी कहाँ हूं, मैं तो महाज्ञानी हूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। सुकरात की बात सुनकर के लोग फिर मंदिर में गए कि देवी सुकरात तो कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, अब आप कहते हैं कि सुकरात ज्ञानी है। देवी ने कहा, इसीलिए तो सुकरात ज्ञानी है कि अपने ज्ञान को जानता है। जो अपने ज्ञान को जानता है वह ज्ञानी है, और अपने ज्ञान को समझना सहज नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता, कोई भी हो, साधु महात्मा की बात नहीं है, साधु गृहस्थ कोई भी हो, अपने ज्ञान को जो जान लेता है वही ज्ञानी होता है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। ज्ञानी होने का अहंकार और दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है तो ज्ञानी कहाँ है? कल मैंने कहा था, ज्ञानी वह है जो दुखी नहीं होता। और अज्ञानी वह है जो दुखी होता है। कोई बहुत बड़ा गुरु हो सकता है, किसी बड़े मठ का महंत तो हो सकता है, बड़ा लेखक प्रवक्ता हो सकता है, दुखी है तो अज्ञानी है। गुरु बन जाना, महंत बन जाना, साधु बन जाना, त्यागी बैरागी बन जाना, लेखक प्रवक्ता बन जाना सहज है,
जब मन दुखी ना हो तब ज्ञान जीवन में प्रकट हुआ है। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, जब आप ज्ञानी हैं तो दुखी क्यों है? अपने से पूछिए। हर आदमी को अपने को पूछना चाहिए, मैं अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी और समझदार मानता हूं, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? फिर भी मुझे चिंता क्यों होती है? फिर भी मेरा मन तनाव में या डिप्रेशन में क्यों पड़ा रहता है? ईमानदारी से कभी पूछा है अपने आप से? दूसरे का ज्ञान को समझना सरल है, अपने ज्ञान समझना कठिन है। जब किसी बात को लेकर तनाव ना हो, मन किसी भी बात को लेकर के, कोई दुख ना हो किसी भी बात को लेकर, समझना होगा कि अब ज्ञान का उदय जीवन में हो रहा है। विद्वान हो जाना और ज्ञानी होना बिल्कुल अलग अलग है। विद्वान दुखी होगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। अनपढ़ हो सकता है वो, एकदम अनपढ़ ये भी समझना होगा। विद्वान होने के लिए स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। विद्वान होने के लिए आपको कई भाषाओं का और कई विषयों का ज्ञान करना होगा, उसकी जानकारी रखनी होगी। ज्ञानी होने के लिए किसी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना स्कूल कॉलेज गए ज्ञानी हो सकता है आदमी। और स्कूल कॉलेज नहीं गए तो विद्वान होना कठिन है। विद्वान होने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानी होने के लिए अपने जीवन को पढ़ना पड़ेगा, अपने मन को पढ़ना पड़ेगा, दुनिया को पढ़ना होगा। तो बिना स्कूल कॉलेज विद्यालय गए आदमी ज्ञानी हो सकता है। अब प्रत्यक्ष उदाहरण है, कबीर किसी विद्यालय में पढ़े थे, अब क्या कहो ज्ञानी कबीर को, अज्ञानी? रविदास किस कॉलेज में गए थे पढ़ने के लिए? संत रविदास किस कॉलेज में उनमें गए पढ़ने के लिए? उनके पास कौन सी डिग्री थी? गुरु नानक के पास कितनी डिग्रियां थी? या अन्य और जो बड़े बड़े संत हुए उनके पास कौन कौन डिग्रियां थी? कितने किताब उन्होंने पढ़ी थी? क्या लोग ज्ञानी नहीं थे? विद्वान भले ना रहे हैं लेकिन इनके जैसा ज्ञानी मिलना मुश्किल। ज्ञानी वह हो जाता है जिसका जीवन निर्मल होता है, पवित्र। और जीव हर बात पवित्र हो जाती होती है उसकी। इसलिए हम लोग करते क्या है, कुछ थोड़ी बहुत जो विद्वता आ जाती है पढ़ करके, थोड़ा बहुत। अब विद्वता क्या है देखो, विद्वता और ज्ञान दोनों मंत्र है। विद्वता क्या है? इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बस सूचनाएं किताब पढ़ पढ़ करके,
ये जानकारी वो जानकारी एक क्या था, जितने भी हमें जानकारियां हैं एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। ज्ञान क्या है? तथ्य को समझना, जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना, और समझने के पश्चात जो भी गलत है उसे तन मन वचन से सर्वथा त्याग कर देना। विद्वान ने त्याग कर पाता। तो जानने का मतलब, ज्ञान का मतलब जो जैसा है उसको वैसा जान करके उसमें जो भी गलत लगे उन सबको छोड़ देना, और जो सच है उसको मजबूती से पकड़ लेना। जान रहे हैं गलत, छोड़ नहीं पा रहे हैं। जान रहे हैं सच, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा जानना केवल डुबाने का कारण होगा। और ऐसे जानकार लोगों के लिए ही महाभारत में दुर्योधन से कहलवाया गया हुआ है, एक उदाहरण दिया है उसका। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। महाभारतकार दुर्योधन से बात कहलवाते हैं, कहलवाते कर रहा हूँ कि अपनी बात लेखक को कहना होता है, लेकिन पात्र बना करके दुर्योधन एक पात्र है, लिखने वाला कोई तो दूसरा है। तो दुर्योधन से कहलवाया गया है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, क्या सच है, क्या करना चाहिए, क्या पुण्य है, ये जानता तो हूं, लेकिन जान करके धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता, धर्म का काम कर नहीं पाता। जानाम्य धर्मम, जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, ये जानता हूं। न समय निवृत्ति, किंतु जान करके अधर्म पाप का त्याग नहीं कर पाता। तो ऐसे जानने से न जानना बेहतर होता है। जो आदमी जान रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या सच है, इसके बाद भी धर्म का काम नहीं कर पा रहा है, जान रहा है क्या अधर्म है, गलत है, उसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो उस आदमी को समझाएगा कि उसे कल्याण का रास्ता क्या है। एक बात है दुनिया में, अज्ञानी आदमी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी कहलाने वालों को जिन्हें ज्ञान का अहंकार होने कोई समझा नहीं सकता है। उदाहरण है, जो आदमी सोया हुआ है, एकदम गाढ़ी नींद सोया हुआ है, उसे पुकारो एक बार, दो बार, तीन बार, जोर से आवाज पुकारोगे तो जग जाएगा, चाहे कैसे भी गाढ़ी नींद लगी हो। एक दो बार उसे पुकारो जोर से, चार बार पुकारो तो जग जाएगा। किंतु जो आदमी जाग रहा है किंतु सोने का स्वांग कर रहा है, चादर ओढ़ करके जागता तो है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, उसके सामने नगाड़ा भी पीटोगे ना तो नहीं जाग पाएगा, क्यों तो जाग ही रहा है, केवल नकल का नाटक कर रहा है, उसे क्या जगाओगे। ऐसे ही जो नहीं जानता है
अज्ञानी है उसे तो समझा सकते हो, समझा कर गलत रास्ते पर ला सकते हो, लेकिन जो जानबूझ करके गलत रास्ते पर जा रहा है, जानता है काम गलत फिर भी वो कर रहा है, उसे नहीं समझा सकोगे। कहा जाता है एक संगीतकार के पास दो युवक पहुंचे संगीत सीखने के लिए। संगीतकार ने एक युवक से पूछा कि क्या तुम संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तुम्हें कोई जानकारी है? तो उन्होंने कहा हाँ सर थोड़ा बहुत जानता हूँ ऐसे। तो संगीतकार ने कहा ठीक है तुम रह जाओ मेरे पास, यदि ठीक से मेहनत करोगे तो साल भर में तुम बहुत कुछ सीख लोगे। दूसरे से कहा तुम कुछ जानते हो? कहने नहीं सर मैं तो कुछ भी नहीं जानता संगीत के बारे में, लेकिन सीखना चाहता हूं इसलिए आपके पास आया हूं। संगीतकार ने कहा ठीक है तुम रुको, अरे तुम अच्छी ठीक से मेहनत करोगे तो 6 महीने में बहुत सीख लोगे। पहले वो युवक का आश्चर्य हुआ, मैं तो जानता हूं संगीत के बारे में कुछ कुछ, अब मुझे कहा जा रहा है कि मेहनत करोगे तो साल भर में सीख जाओगे, अब कुछ नहीं जानता नारी ऐसे कर रहा है कि 6 महीने में सीख जाओगे, तो उल्टी बात हो गई। उन्होंने कहा सर मैं तो जान रहा हूं, इसके बाद आप मुझे कहते साल भर में सीखोगे, ये तो नहीं जानता है, ये तो 6 महीने सीख जाएंगे। कहे देखो संगीतकार ने कहा तुम जानते हो ना उसे मिटाने मुझे 6 महीना लगेगा पहले, और तब 6 महीना जब तुम जानते हो तो मैं मिटा दूंगा, तब 6 महीने बाद तुम सीख पाओगे, ये तो नहीं जानता, इसको तो शुरुआत ही करना है पहले से। तो ज्ञानी होने का अहंकार जिन्हें होता है ना जानने का, उन्हें जगाना बड़ा मुश्किल होता है, अज्ञानी समझाया जा सकता है। तो ज्ञान हो जाना अलग बात, इसलिए कहा ज्ञानी कहलाना और ज्ञानी होना, ज्ञानी कहलाने से दुख दूर नहीं होगा, ज्ञानी होना उद्भूत होता है भीतर से, प्रकट होता है ज्ञान। यहां प्रसंग है साहब पूछते हैं है कोई गुरु ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी? एक बात और बीच में मैंने कहा था विद्वान होना और ज्ञानी होना, दुनिया में 1 लाख में यदि हम गणना करें 1 लाख लोगों में 1 या 2 लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी भी हो और विद्वान भी हो साथ साथ। 1 लाख में 1-2 भी मिल जाए ना तो बहुत है, ज्ञानी भी हो और विद्वान भी हो। या तो ज्ञानी मिलेंगे या विद्वान मिलेंगे, दोनों का एक साथ होना, एक ही व्यक्ति ज्ञानी भी हो विद्वान भी हो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं होते ऐसे बात नहीं कहते, होते हैं ऐसे लोग बहुत रेयर में भी रेयर, रेयरेस्ट आप कह सकते हैं। ज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी और विद्वान कह सकते हैं, अंतर क्या है दोनों में समझ में बात आ जाएगी। विद्वान व्यक्ति झूठ बोल सकता है, गाली दे सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा ये सब। विद्वान ज्ञानी नहीं, विद्वान गाली देगा झूठ बोलेगा, लेकिन ज्ञानी न झूठ बोलेगा न गाली देगा। विद्वान आदमी शराब पी सकता है, ज्ञानी शराब नहीं पिएगा। विद्वान आदमी व्यभिचारी हो सकता है, ज्ञानी को तो कल्पना ही नहीं हो सकती। विद्वान आदमी घूस ले सकता है, ज्ञानी घूस लेगा भला? विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मारपीट कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा।
बड़े आराम से समझ सकते हो कि ज्ञानी और विद्वान में अंतर क्या होता है। अब समझना होगा कि हम ज्ञानी हैं या विद्वान हैं। अहंकार तो ज्ञानी होने का है, काम कैसा हो रहा है ये तो समझना होता है। आई एम, मैं मूल प्रसंग पर आता हूं। साहब की पंक्ति है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। सभा लगी रही होगी ज्ञानी कहलाने वालों की। सभी लोग अपने अपने ज्ञान की डिंग हाँकते रहे होंगे। ज्ञान का अहंकार होता है ना, तो चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है। ज्ञानी जब ज्ञान का अहंकार होता है तो अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा वो सहन नहीं कर सकता। इतना बड़ा ज्ञानी मैं बैठा हूं, मेरे सामने दूसरे की प्रशंसा हो रही, दूसरे सम्मान हो रहा है, वो कुढ़ जाता है बेचारा, लड़ जाता है कई बार। तो सभा लग रही होगी, सभी लोग अपने अपने ज्ञान की डिंग हाँकते रहे होंगे, एक दूसरे से अपने को बड़ा ज्ञानी होने के लिए सिद्ध करने में लगे रहे होंगे। कहीं तो घूमते घामते सदगुरु कबीर पहुंच गए वहां पर। वहां के लोगों की बातें सुनी साहब ने, और सुन करके साहब ने प्रश्न कर दिया, है कोई गुरु ज्ञानी? क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? गुरु ज्ञानी मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ, वजनदार। एक गुरु तो वो है जो दीक्षा देने का काम करता है, कोई मठ का महंत है या कुछ है जिसे गुरु मान लिया जाता है, वो अलग चीज होती है। लेकिन गुरु का अर्थ श्रेष्ठ, भारी, वजनदार। तो भारी वजनदार होने का मतलब यह नहीं है जिसका शरीर 2-4 क्विंटल का हो, ऐसा भारी होना नहीं है। यहां अर्थ गुरु का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ। क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? और है यदि तो जगत उलट वेद बूझे। क्या वह संसार से लौट करके वेद को बुझेगा, वेद को समझेगा? संसार से लौट करके वेद को समझना, देहाभिमान से ऊपर उठ करके आत्मतत्व को समझना, यह श्रेष्ठ ज्ञानी होने का लक्षण है। उदाहरण याद होगा राजा जनक की सभा का। राजा जनक चाहते थे कि कोई सच्चा ज्ञानी मुझे मिले जो मुझे आत्मज्ञान करा दे, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान करा दे। उन्होंने कहा था जो मुझे इतने समय में ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान करवा देगा उसे मैं अपना गुरु बनाऊंगा। अब राजा गुरु बनने के लिए कौन नहीं चाहेगा? बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वालों की सभा लगी वहां पर, और सब लोग अपने अपने को सिद्ध कर रहे थे, हम बड़े ज्ञानी, हमें ब्रह्म का ज्ञान है, हमें ब्रह्म का ज्ञान, हम बड़े ज्ञानी हैं। उस सभा में कैसे घूमते घामते अष्टावक्र पहुंच गए। सभा के प्रवेश द्वार में एक नगाड़ा रखा गया था और ये कहा गया था कि जो जितने शास्त्र का विद्वान हो
जितने शास्त्र का ज्ञानी हो उतने बार इस नगाड़े में चोट मार दे। अष्टावक्र पहुंचे, मारते चले गए चोट अनगिनत। सभा में विराजमान उपस्थित लोगों से, अरे इतना बड़ा ज्ञानी कौन आ गया, ये तो कितने मारे चोट मार दिए इसमें। बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करने लगे। अष्टावक्र पहुंचे, आठों टेढ़े मेढ़े, आज की भाषा में कहें तो हिंदी में कहें तो दिव्यांग, टेढ़े मेढ़े चलते हुए पहुंचे। अष्टावक्र को देखकर सभा में जितने भी विद्वान कहलाने ज्ञानी कहलाने वाले लोग बैठे थे, सब लोग हंसने लग गए, जोर से मजाक उड़ाने लगे। उनको हंसते देख करके अष्टावक्र भी हंसने लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा अष्टावक्र क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र ने पूछा, हंसने शुरुआत तो आप लोगों ने की थी ना, मैं तो बाद में हंसा, पहले आप लोग हंसे, तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्यों हंसे। तो उन ज्ञानियों ने कहा कि हम लोग आपको देख करके हंसे, ये आठों अंक के टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र है, ये राजा ब्रह्म जनक को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए हैं, इनके गुरु बनने के लिए आए हैं। तो उनकी बात सुन करके अष्टावक्र ने कहा, मैं तो इसलिए हंसा कि मैंने सुना था कि सभा में ज्ञानियों की जमघट है, ये सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन मैं तो यहां देखता हूं ये तो चमारों की सभा लगी हुई है, चमारों की भीड़ लगी है यहां पर। सारे ज्ञानी कहलाने वाले एकदम क्रुद्ध हो गए, क्रोध में आ गए कि तुमने हमें चमार कैसे कह दिया। तो अष्टावक्र ने कहा कि जो चाम की परख करता है वो चमार ही तो है। आपने मेरे चाम के शरीर को देखा, ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, उसी को देखा, उसको देख कर आप लोग हंसने लग गए। तो जो चाम की परख करेगा, जिसे चाम का ज्ञान होगा, वो चमार ही तो होगा। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्या मेरा ज्ञान भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शरीर में रहने वाली आत्मा भी क्या टेढ़ी मेढ़ी है। जो आत्मा का ज्ञान करे वो ज्ञानी, और जो शरीर का ज्ञान करे वो चमत, और जो शाम का ज्ञान करे वो चमार। कोई उत्तर है इसका। शरीर के चाम को देखकर किसी का चाम सुंदर है, गोरा चाम देख करके मोहित हो गए, उसे अच्छा मानने लगे, और किसी का चाम काला है, काला रंग, उसको देख करके घृणा कर लिए, बस चाम बुद्धि है। और चाम बुद्धि रखने वाले आदमी को चमार कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई अपने को चमार कहलाना नहीं चाहेगा। इसीलिए शरीर के चाम के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। चाम काला गोरा हो सकता है, शरीर में रहने वाला जीव काला गोरा नहीं होगा, उस व्यक्ति की मनुष्यता काली गोरी नहीं होगी, उस व्यक्ति में चाहे विद्वता है ज्ञान है वो काले गोरे नहीं होंगे। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन श्याम के आधार पर नहीं करना है, उसके जीवन का जो चरित्र है उसके आधार पर होना चाहिए।
चाम पूजनी नहीं होता, आचरण चरित्र पूजनी होता है। और सब जानते हैं हिंदू परंपरा में चार बड़े भगवान जिनकी पूजा सर्वाधिक होती है, उन चारों को निकाल दो तो सारे देवी देवता जो 33 करोड़ माने गए हैं उन्हें उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और चारों देवता, चाहे देवता कहो चाहे या उन्हें भगवान कह लो, गोरे नहीं हैं। राम गोरा है कि सांवला है, काला है? कृष्ण, विष्णु, महादेव, इन चारों में गोरे कौन है? सब तो सांवले शरीर है, काला भी है। क्या छोटे हो गए? तो बात यह है शरीर के आधार पर किसी को छोटा बड़ा मानना, अच्छा बुरा मानना घोर अज्ञान है। इसलिए शरीर का चाम मत देखो, उस शरीर से निकलने वाला जो ज्ञान है उसको देखो। मैं अपने मूल बात पर आता हूं। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। साहब कहते हैं गुरु ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी कौन? जगत उलट वेद बूझे। संसार से लौटकर जो वेद को बूझेगा, वेद को समझेगा, समझता है, वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। तो यहां वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद माने गए हैं। माने गए हैं क्या है ही? तो यहां पर इन चारों वेदों को समझने की बात नहीं है। इनको समझने वाले तो बहुत लोग हैं। अब दीक्षित उदाहरण दिया, उन्होंने कह दिया वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ। वेद को जानने वाले भी बहुत हैं। वेद को पढ़ लेना, वेद मंत्रों की व्याख्या कर लेना, ये सरल है। लेकिन जिस वेद की बात साहब कहते हैं वो दूसरी है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से वेद शब्द बनता है और विद धातु का अर्थ होता है जानना। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान इस जीव चेतन का स्वभाव है, स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान का आधार कहां है? दुनिया में जितना भी ज्ञान विज्ञान कला कौशल मत पंथ है ये सब किसकी देन है, किसकी करामात है? ये मनुष्य जीव की करामात है, मनुष्य जीव की देन है। मतलब इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का आधार ये जीव है। जीव को हटा दो तो ज्ञान का कोई आधार नहीं मिलेगा, ज्ञान का कोई स्रोत नहीं मिलेगा। गुरुदेव जी कहा करते थे इस धरती में कहीं कोयले की खान है, कहीं हीरे की खान है, कहीं चांदी की खान है, कहीं सोने की खान है, कहीं अभ्रक की खान है, कहीं लोहे की खान है, कहीं धरती के अंदर कहीं पानी का स्रोत है, कहीं पेट्रोल आदि का स्रोत है। क्या धरती के अंदर कहीं पर ज्ञान की खान है या ज्ञान का स्रोत है? ज्ञान की खान आपके भीतर है, मनुष्य के भीतर। लेकिन मनुष्य तो शरीर है ना, आकार को हम मनुष्य कहते हैं। इसके भीतर रहने वाला जो जीव है ज्ञान का धार वही है। जगत उलट वेद बूझे, संसार से उलटकर वेद को बुझना मतलब संसारिकता से ऊपर उठकर
देवभाव से ऊपर उठ करके उस जीव तत्व को, आत्म तत्व को समझना और उसमें जीने वाला जो व्यक्ति है वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो सत्य को समझ लेता है उसमें जो जीता है वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। महाभारत में एक श्लोक आता है, यो वेद वेदान नुसा वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्त सवेद वेद्यम। जो व्यक्ति वेदों को पढ़ना जानता है, नसा वेद वेद्यम, वह व्यक्ति वेदों के रहस्य को, वेदों के मर्म को नहीं जान पाता। वेद पढ़ना अलग चीज है और वेदों का जो सार तत्व है, वेदों का जो मर्म है, उसको समझ लेना अलग चीज है। किसी ग्रंथ का पाठ करने लग जाओ, याद कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ग्रंथ याद हो गया तो आप उसका मर्म को भी समझ रहे हैं, उसकी टीका व्याख्या भी कर लो, टीका व्याख्या भी कर लो, लेकिन उद्देश्य क्या है इसका, ये समझना कठिन होता है। तो वेद मंत्रों को गा लेना, वेद मंत्रों की टीका व्याख्या कर लेना, वेद मंत्रों का कहां पर कैसे प्रयोग होना है इसको जान लेना, ये बड़ी बात नहीं है। महाभारतकार कहते हैं वेदों के जो रहस्य है, वेदों का मर्म, इसको जान लेना बड़ी बात है। तो उसको कौन जानता है? सत्य स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम, जो सत्य में स्थित है, जिसका मन सत्य में डूबा हुआ है, वह वेदों के असली रहस्य को जानता है, वही वेदों का असली ज्ञाता है, भले उसे वेद पढ़ना ना आता हो। क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है, जिस प्रसंग में बात कही गई है उसके अनुसार से सत्य तत्व आत्मा को जानकर उसमें स्थित हो जाना, ये वेदों का उद्देश्य है, वेदों का रहस्य है। उसको जान लिए, बस जानकर उसमें स्थित हो गए, बिना वेद पढ़े आप वेदों के रहस्य को जान लिए। अब वेदों को पढ़ते हुए भी मन सत्य में टिकता नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं है, तो सब तो तोता रटंत है। यही बात यहां सद्गुरु कबीर कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे, संसार से उलट करके, संसार से लौट कर, संसार मतलब सांसारिकता, सांसारिकता से लौट कर आत्मभाव में, ज्ञान में मन का टिक जाना, ये वास्तविक ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जिसके पास है वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दो चीजें हैं, एक संसार और एक सांसारिकता। संसार नहीं बांधता है, सांसारिकता बांधती है। संसार क्या है? ये पेड़ पौधे, नदी नाले, मठ मकान, रुपया पैसा, ये प्राणी पदार्थ जो दिखाई पड़ रहा है, मिट्टी पानी आग हवा आदि सब, ये सब संसार है। ये संसार कहाँ बांध रहा है हमको? क्या मकान बांध रहा है, कि पंखा बांध रहा है, कि सड़क बांध रही है, कि मिट्टी पानी आदि बांध रहे हैं, क्या बांध रहा है हमको? ये तो उपयोग की चीजें हैं। संसार बंधन का कारण नहीं होता, इसके लिए
संसार के जो प्राणी पदार्थ हैं, मठ है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, रुपया पैसे हैं, इनके लिए मन में जो लोभ मोह हो जाता है वो सांसारिकता है, वो लोभ मोह बांधते हैं, अहंता ममता बांधती है, और अहंता ममता ही सांसारिकता है। आप अहंता ममता कह लो, लोभ मोह कह लो, राग द्वेष कह लो, आसक्ति कामना वासना कह लो, सब एक ही अर्थ जैसे हैं, सब में बंधन कारण ये बनता है। त्याग इसका करना है। संसार का त्याग कहां करोगे? सबसे बड़ा संसार तो हमारे पास हमारा शरीर है। बाहरी सब को छोड़ दिए लेकिन शरीर का त्याग तो नहीं कर सकते ना। तो सबसे बड़ा संसार लेकर हम घूम रहे हैं। ये जो शरीर पे संसार है, इसके लिए बाहरी संसार, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, खाना पीना, मठ मकान, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन इनका प्रयोग करते हुए भी कहीं मन का आसक्त न होना, यह विशेषता है और यही ज्ञान है। जीवन पर्यंत जीवन निर्वाह की वस्तुओं का प्रयोग तो करना होगा, हट करने से काम नहीं बनेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सर्वथा त्याग करना होता है, और कुछ चीजें ऐसे होती है जिन्हें ग्रहण करना मजबूरी होती है। जैसे एक सदाचारी व्यक्ति है, साधक है, साधु है, वो अंडा, मांस, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, इनका तो सर्वथा त्याग कर देगा। लेकिन दाल भात रोटी सब्जी आदि तो खाना पड़ेगा ना। तो अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, कबाब, इनका तो सर्वथा त्याग हुआ। लेकिन जो दाल भात रोटी सब्जी आदि खा रहे हैं, इनमें भी आसक्ति ना हो, इनकी आसक्ति का त्याग, जो त्याग दिए हैं, जिनका त्याग हुआ है, उनके त्याग के अहंकार का त्याग, और जिन्हें ग्रहण करना मजबूरी है उनकी आसक्ति का त्याग, बस फिर कहीं बंधन नहीं है। एक साधु है, विरक्त साधु है या विरक्त साध्वी है, वो काम वासना का, काम भोग का त्याग कर देगा। लेकिन बिहार है, बिहार में नारियां मिलती है, पुरुष मिलते हैं, वहाँ एक प्रति एक सहज भावना का तो रखना पड़ेगा ना। माँ बहन बेटी दृष्टि, मित्रता की दृष्टि तो रखनी पड़ेगी, बिहार तो क्या करोगे। लेकिन ये सब प्रयोग करते हुए ही मन में किसी प्रकार की वासना ना आने पाए। जिनका त्याग किए हैं उनका भी त्याग अहंकार का, और जो सर्वथा त्याग हो तो त्याग हुआ ही है, ग्रहण करना उसके आसक्ति का त्याग। त्याग का अहंकार आया, हम कोई एक साधक है, अंडा मांस मछली का तो त्याग कर ही दिया, दूध दही घी मिठाई आदि का त्याग कर दिया, नमक नहीं खाता, पैसा नहीं छूता, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा त्यागी हो। पैसा तो नहीं छूता है, अच्छी बात, पैसा नहीं छूता, काम चल ही रहा है। लेकिन जो पैसा छू रहा है, पैसे जो पैसा रखते हैं अपने पास, पैसे का प्रयोग करते हैं, उनके सोता देखो साधु भी बन गए, पैसा का लोभी बना हुआ है। मैं देखो
मैं पैसा भी नहीं सोचता, मैं कितना बड़ा त्यागी। डूब गया काम से, गया उसकी साधना बर्बाद हो गई, क्योंकि अहंकार आ गया पैसा नहीं छूने का। तो इसलिए अच्छा है कि पैसा छुओ, प्रयोग करो, पैसे का लोभ छोड़ दो। पैसे का प्रयोग करते हुए भी पैसे के प्रति लोभ ना हो तो आप पैसे प्रयोग करते हुए भी मुक्त हो सकते हो। पैसा तो नहीं छूते, लेकिन पैसा न छूने का अहंकार है, भयंकर बंधन है, नरक में जाना पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं। दूध दही घी नहीं खाते कोई बात नहीं, अहंकार किसको? क्या कोई आपके पीछे पड़ा था कि नहीं तुम्हें दूध दही घी छोड़ना पड़ा है? कोई यदि दूध दही खाओगे डंडा मारूंगा, कोई जबरदस्ती कर रहा था क्या? तुम्हारी गरज थी, तुमने खुद ही गरज से छोड़ा, तो अहंकार क्यों? हम दूध दही घी नहीं खाते, किसके अहंकार करते, किस लिए अहंकार? इस अहंकार का त्याग जो कर देता है वो महाज्ञानी होता है। और अहंकार को समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दूसरे के अहंकार को समझ लेना बड़ा सरल, अपने अहंकार को समझना बहुत ही कठिन है। और जो अपने अहंकार को समझ लिया और समझ कर उस अहंकार का त्याग कर दिया, वो श्रेष्ठ ज्ञानी, फिर उसको कहीं बंधन नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, राह हक हरगिज न आवी तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उगबा तर्क मौला तर्क तर्क। राह हक, हक मतलब सत्य, हक मतलब अधिकार होता है, और हक मतलब सत्य होता है। राह हक, सत्य का रास्ता हरगिज न आवी, नहीं मिल सकता। कब तक? तानगिरी चार तर्क, जब तक चार बातों का त्याग नहीं किया जाएगा। जब तक चार बातों का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक सत्य का रास्ता, खुदा का रास्ता, परमात्मा का रास्ता, मोक्ष का रास्ता नहीं मिल सकता। वो चार बातें कौन है जिनका त्याग करना है? तर्क दुनिया, दुनियादारी, राग रंग, मोह माया, अहंत ममता का त्याग करो। तर्क उगवा, आकाश में कहीं स्वर्ग है, इस दुनिया में पुण्य का काम, धर्म का, परमार्थ का काम करोगे तो मरने के पश्चात आकाश में जाकर के तुम जहां स्वर्ग है वहां जाकर सुख भोग भोगोगे। इस स्वर्ग की आशा का त्याग। हम यहां एक रुपया देंगे तो हमें 10 लाख मिलेगा, सुना है ना? गरीबियों का, गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे 10 लाख देगा, 10 लाख मांग लो डायरेक्ट, एक पैसा देने का जरूरत नहीं है। काहे एक पैसा पीछे 10 लाख के कामना कर रहे हो? तो स्वर्ग है, वहां जाकर के हम बड़े आराम से सुख भोजेंगे, इसकी आशा का त्याग। तर्क मौला, आत्मा से अलग कोई ईश्वर है, इस कल्पना का त्याग। लेखक कहने वाला महातार्किक रहा है, ईश्वर का मोह जबरदस्त बंधन है, हमसे अलग कोई परमात्मा है, उसी कृपा से सब होता है, वो सब हो, भयंकर बंधन है ये। मानते हैं लोग, धर्म प्रवाह चलते हैं, अच्छी बात है। तो तर्क मौला, हमसे आत्मा से अलग पर कोई परमात्मा है, जिस अलग कोई शिव है, इस कल्पना का त्याग करो। और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग, इसका त्याग करो। दुनियादारी का त्याग कर दिए, उगवा का त्याग, स्वर्ग का त्याग की कल्पना का त्याग कर दिया, ईश्वर की कल्पना का, लेकिन इनका अहंकार आ गया तो फिर सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए त्याग के अहंकार का त्याग जब होगा तब सही रास्ता मिलेगा। ऐसा जो कर लिया, यह अहंकार ही संसारिकता है,
सारे अहंकार को छोड़ करके जो पूर्ण विनम्र हो गया, साहब कहते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। उसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, समूझ बूझी जड़ हो रहे बलत जी निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समूझ बुझ लिया, अच्छी तरह से जान बुझ लिया, अनाड़ी बन गया। पहले अनाड़ी नहीं बनना है, जानने बुझने के बाद अनाड़ी जैसा बन जाओ। सारे बल का त्याग करके निर्बल बन जाओ, धन बल, जन बल, पद बल, विद्या बल, शासन बल, अधिकार बल, त्याग बल, सारे बल को छोड़ करके निर्बल, निर्माण। साहब कहते हैं फिर तुम्हारा कोई पल्ला नहीं पकड़ सकेगा, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा, तुम्हें कोई बंधन नहीं डाल सकेगा। ऐसा जिन्होंने किया वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। उसके लिए साहब कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। क्या कोई ऐसा श्रेष्ठ ज्ञानी है जो संसारिकता से, रागरंग, दुनियादारी, देहभाव की आसक्ति का त्याग करके आत्मभाव में जीने वाला है, ज्ञान को समझकर ज्ञान में जी रहा है, उसी का बेड़ा पार होगा, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। और ऐसे जो ज्ञानी हैं उनकी शरण में जा करके हम भी अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। एक पंक्ति सदगुरु कबीर की समझ लें हम और समझ करके जीवन में उतार सकें तो एक पंक्ति हमारी कल्याण के लिए पर्याप्त है। अन्यथा क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा वाली बात है। समझना है, कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, चिंता तनाव भय से मुक्ति चाहिए, तो करना क्या होगा? सारा अहंकार, अभिमान, घमंड छोड़ करके पूर्ण निर्माण, विनम्र, बस बेड़ा पार हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम।